दोस्तों आज मैं गोवा से रायपुर जा रहा हूँ। मेरा इस पसीनों में, ये देखो ये मेरा गाड़ी है। आज इधर से मैं जाऊँगा गोवा टू रायपुर। आपको मैं पूरा रास्ते का सफ़र भी दिखाऊँगा और दिखाऊँगा कि 1200 किलोमीटर में नॉन स्टॉप कैसे जाता हूँ इसमें किलोमीटर। तो मैं स्कूटर से सफ़र करने वाला हूँ पूरा 1200 किलोमीटर नॉन स्टॉप। मैं आपको जो है ना रोड का पूरा ट्रिप दिखाने वाला हूँ। तो जब मैं घर से निकला था तभी तो पूरा अंधेरा था, और अभी देखो सूरज उगा है। देखो पेट्रोल पम्प है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो सूरज उगा है। चलो आगे कंटिन्यू रास्ता कंटिन्यू करता। हमें लगता है गोवा का बॉर्डर आने के लिए अभी और एक आधा घंटा बचा है। आधा घंटे में गोवा का बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे हम। तो हम अभी बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। ये देखो ये जो बहुत बड़ा घाट है, मैं आपको दिखाता हूँ। रोड बहुत आड़ा तेरा है, मतलब ये लास्ट घाट है। मतलब ये घाट आपने पार किया, मतलब जो है गोवा क्रॉस कर लिया, गोवा पार कर लिया। बस अब ये गोवा का बॉर्डर ही है समझो। तो बस सोचा कि इंजन थोड़ा सा ठंडा होने दे, बहुत दूर चल लिया ना, 50-60 किलोमीटर चल लिया, थोड़ा सा इंजन ठंडा हो रहा है, थोड़ा रिफ्रेश हो गया, पेशाब भी कर लिया मैंने, है ना। तो आपको मैं दिखाता हूँ रोड कैसा आड़ा तेरा तेरा घाट ऊपर तरफ जा रहा है, आपको कंटिन्यू दिखाता हूँ अभी। और मुझे लगता है एक आधा घंटे में जब हम गोवा क्रॉस कर लेंगे। अभी आगे कोई गाँव नहीं है, जस्ट जंगल ही जंगल, घाट ही घाट है। घाट क्रॉस किया मतलब उधर बेलगांव आ गया। दोस्तों यहाँ का नज़ारा तो देखो कैसा है नीचे। वाह पहाड़ देखो, मैं एकदम पहाड़ के ऊपर हूँ। ये देखो हाँ टॉप में हूँ मैं, एकदम ऊपर ऊपर ज़रा सा और पहाड़ है, और भी ऊपर हम जाएंगे गाड़ी लेकर के। वो मेरा गाड़ी उधर पार्किंग किया है। ये देखो नीचे का नज़ारा देखो, उधर नीचे बड़ा बहुत बड़ा सा एक डैम है इधर। ये देखो डैम पहाड़ है वो, एक्चुअली पहाड़ के ऊपर ही डैम है ना, चारों ओर से पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखो, और मैं अभी आया इस रोड से। ये देखो पूरा घाट है, बहुत बड़ा घाट है एक्चुअली, पहाड़ के ऊपर ही, घाट के ऊपर ही वो ये है, वो क्या बोलते हैं उसको, डैम है वो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, वाह क्या नज़ारा है। देखो ये नीचे का नज़ारा, देखो ये रोड है ऊपर, इधर पहाड़ है साइड में, और ये नज़ारा देखो नीचे का। दोस्तों अब हम और भी ऊपर आ गए, आपको अभी वो डैम दिखाता हूँ जूम करके। वो देखो डैम अभी दिख भी नहीं रहा होगा आपको, ये देखो पूरा नीचे पहाड़ी पहाड़ है। हम अभी इधर ऊपर आ गए, ये देखो और थोड़ा सा ऊपर है, टॉप इतना ही है, बाकी इसके ऊपर पहाड़ नहीं है। ये देखो, और आपको मैं वो डैम दिखाता हूँ अभी किधर रह गया वो डैम, जब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। वो देखो डैम रह गया, वो देखो हम लास्ट टाइम ये वाला पार्क के यहाँ से जो है ना हमने वीडियो दिखाया था आपको। ये देखो कितना नीचे रह गया, हम एकदम अभी ऊपर आ गए। फाइनली जो लिखा है इधर, वेलकम टू कर्नाटका, यस हम गोवा क्रॉस कर लिया, ये देखो बोर्ड पे लिखा है। तो अभी यहाँ से जो है अभी वो घाट ख़त्म हो जाता है। ये देखो नीचे पूरा वाइट वाइट आसमान ही आसमान दिख रहा है जैसा लग रहा है। देखो वो देखो नीचे पूरा छोटे छोटे पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है, गांव भी दिख रहा है वो, देखो कुछ घर भी दिख रहे हैं नीचे एकदम। हम पूरा टॉप में है, ऊपर नीचे पूरा बड़े बड़े पहाड़, देखो हम एकदम टॉप में है अभी। एक होटल मिला है छोटा मोटा, तो सोचा कि अभी सुबह से कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ, तो सोचा कि चाय पानी पी लो, तो नाश्ता करने के लिए मैं भी रुका हूँ। अभी देखते ऑर्डर किया, कुछ पाव भाजी कुछ ऑर्डर किया है, तभी खाना खाने के बाद वापस कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। अभी और बेलगांव जाने के लिए अभी और एक घंटा लगेंगे बोले, ऐसे फुल जंगल वाला रास्ता ही है पर प्लेन रास्ता, अभी घाट खत्म हो गया। ठीक है आगे देखते। दोस्तों फाइनली मैं बेलगांव पहुंच गया। ये देखो इधर मेरे पीछे आगे जो है ना कुछ ये पार्क है, मैं आपको दिखाता हूँ उधर पीछे साइड। ये देखो बेलगांव में शिवाजी महाराज का जो मूर्ति है, ये देखो इधर दिख रहा है आपको, ये कोई एक पार्क है लगता है इधर। जस्ट अभी मैं इधर पहुंचा बेलगांव में, तो अभी तो मुझे बहुत लंबा जाना है, तो सोचा कि बेलगांव में पहुंच गया तो मैं आपको बता दूँ। ये देखो इधर का एरिया देख लो, ये पूरा पार्क है, वो बड़ा पार्क, बहुत बड़ा है पार्क। उधर पीछे एक चिल्ड्रन पार्क भी था इधर। देखो ये तो ये मेरा हाईवे है, मैं इधर से आया हूँ। ये देखो ये मेरा गाड़ी।